सुनवाई मुहिम के तहत गीता कॉलोनी थाने में एडिशनल डीसीपी अमूर्था ने जनता की समस्या सुनी। शनिवार की शाम 4 बजे जन सुनवाई प्रोग्राम आयोजन हुआ। इस मौके पर तमाम पुलिस स्टाफ व गांधीनगर डिवीजन के एसीपी चंद्र प्रकाश मीना के साथ गांधीनगर, गीता कॉलोनी और कृष्णानगर के एसएचओ भी रहे, जहां पर जनता की जो भी समस्या थी, चाहे वो घर के जो छोटे छोटे केस हों या फिर क्रिमिनल केस हों या चोरी के हों या फिर जीएसटी से हों, उन सभी ने अपनी समस्या रखी। जहाँ सबसे पहले एसीपी चंद्र प्रकाश मीना ने सुनी, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी पहुंची, उन्होंने भी समस्या सुनी। वहीं एडिशनल डीसीपी ने कहा कि मेरे संज्ञान में 40 के करीब लोग मुझसे मिले जिन्होंने अपनी समस्या रखी। कुछ केस ऐसे थे कि जिनको पुलिस सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि सिविल केस थे जो कि सिर्फ कोर्ट में ही सॉल्व होते हैं। हमने जनता से भी बात की, जनता ने भी कहा कि हम अपनी जो समस्या थी वो लेके आए हैं और हमारी समस्याएं भी समाधान भी किया है। हम आपको सुना रहे हैं बाइट सर। सुनी या सुनती भी है सर, वास्तव में बहुत सारी कंप्लेंट्स में छोटी छोटी कंप्लेंट दिखाई है, लेकिन इस बार थोड़ी मेजर कंप्लेंट है जो कि मेरे जीएसटी को लेके है। तो 2017 के अंदर मेरे सीए ने मेरे साथ में फ्रॉड किया, जो कि शाहदरा में बेस जितेंद्र कुमार कंसल सीए है, उसने मेरे नाम पर फर्जी परचेज करके, फर्जी बिल सेल करके, तो वो उसने फ्रॉड किया मेरे साथ में। तो जिसका पता मेरे को अभी दिसंबर में पता लगा है जीएसटी के थ्रू, जब मेरे पास में सम्मान आए हैं, तो उसके बाद फिर मैंने अपने एक्शन में आया, मैंने उनको पकड़ करके सारा कुछ सॉर्ट आउट भी किया है, लेकिन वो अब सारा कुछ भेज बात के कहाँ चले गए हैं। तो मैंने पुलिस के अंदर कंप्लेंट लिखवाई है, तो आज मेरे पास में किशननगर थाने से फ़ोन आया धनंजय जी का कि आज सुनवाई है, आप प्लीज़ आप आइए। सो उनके लिए हम आज सर से मिलने के लिए आए हैं, कि अपनी रिक्वेस्ट देने के लिए आए हैं कि सर प्लीज़ इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। मैं घर की फैमिली का प्रॉपर्टी का मामला था। क्या कहा इस हिसाब ने? वो कह रहे हैं आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई, परेशानी आई कुछ। भाभी हमारी हमसे लड़ती थी, तो लग रहा है आपको आज दिल्ली पुलिस के साथ बैठे और बातचीत की, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जेठानी जी हैं, वो हमसे झगड़ा करती हैं, हिस्सा मांग रही हैं हमसे, कह रही है अगर हिस्सा नहीं दिया तो हम तुम्हारे पति पे उल्टा इल्ज़ाम लगा देंगे, गलत इल्ज़ाम लगा देंगे, फंसा रही हैं। हाँ, पुलिस ने आश्वासन दिया। कैसा लगा आज पुलिस ने आज आपको बुलाया? बहुत अच्छा लगा देख के इन सारी पुलिसों को, और काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, अब कार्रवाई होगी तो जरूर अच्छा लगेगा। क्या केस है आपका? ऐसे डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उस बारे में। हमने ये यहाँ पे जन सुनवाई जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आए हैं, करीब 30-40 लोग आए हुए हैं, तो उन सब का हमने सुना है। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों की पुरानी कंप्लेंट है जिसपे पुलिस का कार्रवाई हुआ नहीं है, ये उनका कंप्लेंट है। और जब हमने सुना है तो काफ़ी हमें ये महसूस हुआ कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो सिविल मैटर्स हैं, जिसमें पुलिस का कार्रवाई कुछ बनेगा नहीं। तो ये मामला सिविल होने की वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं ली है, तो ये उनको बोल दिया गया है कि ये सिविल मामला है, तो उनको कोर्ट में जाके इसका जो भी हल निकाल सके निकालनी है, ये बात उनको क्लियरली हमने बता दिया है। तो थोड़ा सा वो क्लारीफाई करके वो अपना अपना जो भी ग्रीवेंस है वो सॉर्ट आउट करके अभी चले गए। मैम हर हफ्ते लगने जन सुनवाई है, ऐसी कार्यक्रम है कि अल्टरनेट रेजोल्यूशन, कंप्लेंट रेजोल्यूशन, अल्टरनेट कंप्लेंट रेजोल्यूशन से क्या हो जाता है कि किसी का कंप्लेंट होता है, छोटी सी कंप्लेंट होता है, तो दोनों पार्टी को बुला के हम उनका जो भी हल निकाल सके विदिन द पैरामीटर्स ऑफ द लीगल विदिन पैरामीटर्स, लीगल पैरामीटर्स, उनका कोई भी हल जो बनेगा उनको वो बता देते हैं, ताकि वो अपना सॉल्यूशन जो भी है, रिड्रेसल जो भी है, ठीक से वो कर पाएंगे। तो हम हर हफ्ता करेंगे ये, एवरी सैटरडे वी आर प्लानिंग टू डू दिस। तो मैं जनता से यही उम्मीद करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले, और छोटी छोटी कंप्लेंट लेके पूरा थाने का चक्कर या ऑफिस के चक्कर ना लगाते हुए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपना छोटी कंप्लेंट्स जो भी है उसका सॉर्ट आउट करें।